प्रतिदिन सप्ताह में एक या दो दिन ही घरों में पहुंचता था। नगर और आसपास के लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन ने धन्नीगढ़ी बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्माण कार्य शुरू किया। विवासियों को नववर्ष का तोहफा देते हुए 5 मीटर बढ़ाए गए धन्नीगढ़ी बांध का उद्घाटन समारोह हुआ। इस अवसर पर विपो की पता महिला मुख्य अतिथि थी। लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने समारोह का की। उपराज्यपाल और महिला के समारोह स्थल पहुंचने पर जोरदार एवं पारंपरिक स्वागत। मुख्य सचिव आनंद प्रकाश, शांत बद्रे, आयुक्त व सचिव शैलेश श्रीवास्तव, पोर्टब्लेयर नगर परिषद के अध्यक्ष के गणेशन, जिला परिषद अध्यक्ष के अलावा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सबसे पहले समारोह के मुख्य अतिथि 5 मीटर बढ़ाए गए बांध के शिलापट का अनावरण कर उसे द्वीपवासियों को समर्पित। उपस्थित लोगों ने इस बांध के उद्घाटन पर प्रसन्नता। अंडमान विभाग के अभियंता ने जिला को इस ऊंचाई बढ़ाए गए बांध जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में धन्नीगढ़ी बांध पर समारोहों का आयोजन। इस समारोह में प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारी सबसे पहले प्रथम महिला सुनीति पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। के गणेशन, मरियम बीबी, सांसद की पत्नी और अन्य विधिवत दीप प्रज्वलित। उपराज्यपाल और प्रथम महिला गीत प्रस्तुत किए गए। राज्य बल विकास पंच में नगर पंच में
और हमारे म्युनिसिपल काउंसिल जब सुप्रीम कोर्ट सबका साथ में चौदह का कार्यक्रम शुरू हो। पालिका परिषद के अध्यक्ष दिल गणेशन अपने विचार प्रकट किए। म्युनिसिपल एरिया के लिए 35 समर वेकेशन में जो तैयार होती थी इसको तो महसूस करते थे, हमको मालूम होगा समस्या हमारे सामने जो उसका उद्घाटन हुआ। आज उद्घाटन होने की वजह से जो है मैं समझ रहा आने वाले समर वेकेशन में म्युनिसिपल एरिया में पानी की कठिनाइयां नहीं हो सकती है। मैडम भी बोली है स्टूडेंट के लिए, मैं समझ रहा हूँ ये तो हमारा म्युनिसिपल एक नया तोहफा है नया साल का। सुनियोगी मैडम की जिस तरह मैं उनका भी चाहे दिल से जो है शुक्रिया का क्योंकि उनका बदल जो है काफी प्रोजेक्ट जो है नहीं गए नहीं है, उन्होंने इतना एक्टिव से जो हमारा साथ दिया। दीपो के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल उपस्थिति को संबोधित किया। आया था मेरी पहली मीटिंग में बताया गया था सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है वाटर की, और उन्होंने दो तीन सौ किलोमीटर पानी नहीं रहा था। जब जो डैम की हाइट बढ़ाई गई है उससे मुझे एश्योरेंस दिया गया है कि पोर्ट ब्लेयर की जो पानी की दिक्कत है वो नहीं होगी, समर के अंदर भी पोर्ट ब्लेयर सप्लाई पानी थोड़ा रिजर्व भी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रशासन जो है सेक्रेटरी एपी डब्ल्यू सी और बाकी लोग खाली इस चीज के भरोसे नहीं करते हैं, हमेशा हमारी एक ही स्थिति है एक रिजर्व जरूर होना चाहिए। तो एक वेटलैंड का प्रोजेक्ट है जो काफी दिनों से मेरे ख्याल से बढ़ा हुआ है, अभी वैसे इमरजेंसी के लिए वहां से बार्ज के अंदर लाया जा सकता है, लेकिन जब तक पाइपलाइन नहीं बनेगी और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम जो है और कैसे बनेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमको इस प्रोजेक्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि सेक्रेटरी और प्रोजेक्ट को दोबारा से देखेंगे और जो भी सही रास्ता होगा उसको आगे फोर्थ प्लेयर सिटी हमारी एकमात्र अर्बन सिटी डिक्लेयर है, लास्ट बीच सिटी है और ऑलमोस्ट 35-40% शुक्रवार के पोर्ट पे जो भी अंडमान निकोबार वाला होता है दिल्ली नहीं जाना चाहता वो पोर्ट पेयर तक आना चाहता। हमारे पोर्ट पेयर को एक टॉप क्लास सिटी बना के रखना ये हमारा फर्ज और ये कहना कि सब कुछ है। गणेशन साहब ने सही कहा, एमपी साहब ने भी कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो चेयरमैन पीपीएमसी ने बताया है, बट उससे पहले मेरी नजर में जो बेसिक सुविधाएं हैं उसकी तरफ भी नजर देनी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हमारा क्लीनलीनेस सिस्टम, हमारी रोबोट्स, पार्किंग एरिया, तो ये सब चीजें जो है उनकी तरफ मैं चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन चेयरमैन पीपीएमसी और उनकी टीम का ध्यान जाए। यहां पर क्या पूरे हिन्दुस्तान बहुत जागरूक है कि स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन की हमारी तरफ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी पर बिल्कुल समाज है, लेकिन एक चीज जो उसमें नहीं आई है कि हमारी स्टेट की तरफ और हमारा सोसाइटी की तरफ अपने देश की तरफ क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और राइट तो हर एक सिटीजन का फर्ज बनता है देखना कि उस भागीदारी का हिस्सा खाली ऑफिसर्स ऑफिशियल्स और वेरियस अपॉइंटमेंट्स जो हमारे हैं पीआरआईडी के उनके बस की बात नहीं है। जब तक हर एक नागरिक उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा सिट नहीं लेगा, ओनरशिप लेगा कि भाई ये स्थिति मेरी है साफ रखना है, तब तक मेरे ख्याल से हमारे जो हमारे रूरल एरिया उनकी तरफ भी ध्यान देना। उसी ये बताते हुए कि अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते जिला अध्यक्ष आई थी और हमने एक विंडो ऑलमोस्ट अप्रूव कर दिया, कपड़ा डिजाइन में मैंने चेंज मांगा है, ये कहां पर है नयापुरम में एक बहुत पुरानी डिमांड थी और वो बहुत ही अच्छे स्टेट का इंडोर स्टेडियम होगा जिसमें कि आप तमाम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने डीसी साहब मौजूद है यहां पर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट